हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी सोल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर बजाज चेतक में पीछे के जो ब्रेक लाइनर आते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं और कितनी प्राइस में चेंज होते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक वन बोल्ट यहाँ आता है जो ओपन करने से पूरा टायर ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ईजी रहता है। जब भी पंचर के ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी बहुत ईजी रहता है। ये हमें लाइनर देखने को मिलते हैं, जब भी ये लाइनर घिस जाते हैं तो हमें ये चेंज करवाने पड़ते हैं। यहाँ नीचे से सेटिंग से हमें ये सब कुछ पता चल जाता है, पर एकदम आसानी से हम इस टायर को निकाल कर दूसरा जो लाइनर का वर्क है या टायर का वर्क है इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है बजाज चेतक में, क्योंकि इसमें गियर माउंटेड मोटर हमें देखने को मिलती है। और अगर हब की बात करें हम तो किस तरीके से हब आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पीछे की ओर जो लगता है यहाँ पे ब्रेक लाइनर फिटिंग होते हैं और हमें ब्रेक देखने को मिलती है। अगर प्राइस की बात करें हम कि कितनी प्राइस आती है, तो मैं बजाज जेन्युइन के जो ब्रेक लाइनर आते हैं वो भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 210 रुपये इसकी प्राइस है। कुछ इस तरीके से लाइनर आते हैं जो डायरेक्टली अंदर फिट होते हैं और 100 रुपीज़ जैसा लेबर चार्ज लगता है। आप देख सकते हैं फिटिंग करना भी बहुत ही आसान है, एक बार लगा के और ये वॉशर रख दिया। इसके बाद हम ये 17 नंबर का जो बोल्ट है उसको फास्ट टर्न कर देना है। और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपके पास चेतक है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। चेतक के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।